और सभी अधिकारी उपस्थित थे। सभी आमंत्रित श्रेणी के किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। दो तीन दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे APMC वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि APMC सशक्त हो और APMC का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें APMC परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो APMC एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो, और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे।